राजकोट, इंदौर या विशाखापट्टनम, इन तीनों में से कौन सा वेन्यू होगा तीसरा टेस्ट मैच के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का? क्योंकि धर्मशाला का जो मैदान है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेनोवेशन वहाँ पर पूरे तरीके से अभी पूरी नहीं हुई है, इस वजह से जो है शिफ्ट करना पड़ा तीसरे टेस्ट का, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का वेन्यू। अब जो कंसिडरेशन में वेन्यूज़ रखे जा रहे हैं जो कि वो होंगे इंदौर या राजकोट में से एक ही होगा, और हो सकता है कि विशाखापट्टनम ना भी हो, लेकिन जो कंसिडरेशन में इनके अलावा वेन्यूज़ रखे जा रहे हैं वो हो सकता है इंदौर या राजकोट, यही सूत्रों से हमारे पास खबर आई है। और तो और एक और चीज़ की तरफ गौर करें धर्मशाला के बारे में, तो धर्मशाला ने दो T20I मुकाबले होस्ट ज़रूर करे थे फरवरी 2022 में इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और उसके जस्ट बाद ही उसको अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना था। और तो और जो आप बात करते हैं आउटफील्ड की, तो आउटफील्ड को रीले करना था, यानी कि उसको खोद कर दोबारा से नई बनवानी थी और नई आउटफील्ड वहाँ पर ले करनी थी, और अभी तक वो पूरे तरीके से उस चीज़ की रेनोवेशन नहीं हुई, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और तो और जो रिपोर्ट्स में साफ बात लिखी आई है कि वैसे तो पूरी आउटफील्ड ठीक तरीके से बन गई है, लेकिन जो साइड एरियाज है जिसे स्क्वायर एरिया कहा जाता है, वहाँ पर अभी भी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जब तक पूरे तरीके से रेनोवेट नहीं हो जाता या पूरे तरीके से इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए फिट नहीं हो जाता कोई भी ग्राउंड, वहाँ पर आप मुकाबला नहीं करवा सकते। तो ये कहीं ना कहीं ठीक डिसीजन था। और तो और अब धर्मशाला के ग्राउंड में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल टेस्ट मुकाबला जो है खेला गया है, 2017 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो मुकाबला हुआ था, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मुकाबला हुआ था, और भारतीय टीम ने वो मुकाबला जीत भी लिया था। और तो और उम्मीद यही की जा रही है कि इंदौर या राजकोट में से एक वेन्यू डिसाइड होगा तीसरे टेस्ट मैच के लिए, जो कि मार्च 1 से शुरू होगा तीसरा टेस्ट मुकाबला। फिलहाल पहला टेस्ट मुकाबला तो भारतीय टीम ने एक पारी से और एक तो 132 रनों से जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बहुत ही डोमिनेट विक्ट्री थी भारतीय टीम के, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से डोमिनेट किया गया है। और तो और ऑस्ट्रेलियन टीम में एक बदलाव भी हुआ है रिसेंटली, के मिचेल स्वेप्सन जो कि लेग स्पिनर हैं उनकी जगह पर मैट कूनमन को, जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, उनको टीम में जगह दी गई है। वैसे तो पहले से एस्टनेगर हैं और उनसे सीनियर गेंदबाज हैं, पर लेकिन हो सकता है कि दिल्ली टेस्ट में जो कि 17 फरवरी से शुरू होगा, हो सकता है कि मैट कूनमन को मौका दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दिग्गज बल्लेबाज हैं जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर के अगेंस्ट काफ़ी फंसते हैं। वैसे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एस्टनेगर को मौका देना चाहिए उनसे ऊपर, क्योंकि सीनियर एक तो हैं कूनमन से, और तो और बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। आपको याद होगा इन्होंने अपना जो डेब्यू मुकाबला खेला था टेस्ट मैच का, इंडिया के खिलाफ ही खेला था, 99 रन की पारी खेली थी इन्होंने। खैर अब ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो फिलहाल की बड़ी अपडेट यही थी कि धर्मशाला तो अब वेन्यू नहीं हो पाएगा और वेन्यू शिफ्ट कर दिया गया है धर्मशाला से। और तो और इसका डिसीजन जब आएगा कि राजकोट या इंदौर में से कौन सा वेन्यू पक्का होगा तीसरे टेस्ट मैच के लिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।